अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी ये दुकान है चौक मुस्तफ़ा पर बिस्मिल्लाह करना स्टोर के नाम से। यहाँ कुछ देर पहले एक बच्ची आई और उसने आकर नेस्ले जूस ख़रीदा, 30 रुपए वाला चौंसा जूस। जब हमने उस बच्ची को जूस दिया और उसने उसको ओपन किया और पीने लगी तो उसने कहा, चाचू इसका जायका सही नहीं है। मैं हैरान हुआ कि ये नेस्ले जूस है, इसका जायका कैसे सही नहीं। तो वो बच्ची ने मुझे वापस किया, उसने कहा, चाचू मेहरबानी करके इसे वापस करो, अब्बू मुझे मारेंगे। जब उससे हमने वापस किया और मैंने ख़ुद उसका टेस्ट चेक किया तो इतना जहरीला जायका, गंदा जायका, मेरी तो होशें उड़ गई। मैंने कहा इसमें क्या है। तो उस बच्ची से हमने ये जूस वापस लिया उसी वक्त, और हमारे एक दोस्त हैं उनको हमने बुलाया कि यार ऐसी बात है। उसने कहा, यार आप उस जूस को दिखाओ। उसे ओपन करते हैं, ओपन करके इसे देखते हैं कि इसमें ये है क्या, ये नेस्ले जूस है जो 30 रुपए का एक है। और इतनी मारूफ कंपनी नेस्ले जूस, मज़ा वगैरह में तो क्लेम है, हम सुनते हैं देखते हैं, तो ये इतना पॉपुलर जूस है। फिर हमने उस दोस्त को बुलाया, हमने कहा आप आ जाएं प्लीज़, ताकि हम ये बता सकें कि इसमें कोई टेस्ट है, जायका है, ये क्या है। हम इसे अभी काटते हैं। ये देखें भाई, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये समझ से बाहर है इसमें क्या है। तो मैं इन दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अपने आप को अपने बच्चों को ऐसी गंदी चीज़ें ना दें जिनसे ये जहर फैले और ये किसी बच्चे की हलाकत की सबब भी हो सकती है। और मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी वालों से कि वो प्लीज़ इस पे एक्शन लें। छुरी कहाँ है बेटा, छुरी लाओ, इस पे एक्शन लें, इसका नोटिस लें। और ये नेस्ले जूस वालों को मेहरबानी करके इन्फॉर्म करें कि ये क्या चीज़ है। ज़रा करें मेरा नज़दीक लाना, देखते हैं इसमें। ये देखें, ये बग़ैर किसी साजिश के, बग़ैर किसी झूठ फरेब के, आप इसी वक्त ये मेरी दुकान पे सैंपल मौजूद है, आप आके चेक कर सकते हैं। हमने उनके जो सेल्समैन हैं उनको इन्फॉर्म भी किया है कि प्लीज़ आप मेरे पास आएँ और इसे आके चेक करें ये क्या चीज़ है। ये नेस्ले वालों का हाल है और दीगर छोटे मोटे लोकल जूसों का क्या हाल होगा। प्लीज़ मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी करना है और कंपनी तक पहुंचाना है किसी तरीके से, और कंपनी को नोटिस भी देनी है कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए नहीं तो औरों के बच्चों के लिए तो तरस करें ऐसा। ये क्या चीज़ है, ये देखें, समझ से बाहर है। तो मैं अपने अजीज दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ ऐसी गंदी चीज़ों से आप परहेज़ करें, अपने बच्चों से परहेज़ करवाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इन पे एक्शन लिया जाए। तमाम दोस्तों की मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।